सो गाइस यार, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब कि आप जो है पीडीएफ बनाना चाहते हो किसी इमेजेस की, तो वो किस तरीके से बना सकते हो। कई लोगों को क्या होता है यार कि इमेजेस की पीडीएफ बनानी होती है, वो बना नहीं पाते, तो वो किस तरीके से बनानी, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि मैं एंड्रॉइड फोन्स का यूज करूंगा, तो पीसी का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। तो एंड्रॉइड फोन्स वाले कोई दिक्कत ना ले, उनके लिए ये वीडियो है। एंड्रॉइड फोन्स का आप इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो यार, पीडीएफ को किस तरीके से इमेजेस से पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो आज की वीडियो में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पे जाना है। और जैसे आप अपने प्ले स्टोर पे जाओगे तो यार वहाँ पे सर्च ऑप्शन में आपको सर्च कर देना है पीडीएफ यूटिलिटी। देखिए, जैसे मैं पीडीएफ यूटिलिटी सर्च करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपको पीडीएफ यूटिलिटी सर्च कर देना है। और जो देखिए ये आपको पीडीएफ यूटिल्स जो इंस्टॉल्ड वाला है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डाउनलोड कर लेना है। देखिए मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ, आपको फिफ्थ नंबर का जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे रेटिंग भी इसकी 4.4 की है और काफ़ी अच्छा ऐप है, तो आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो यार मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। सो गाइस, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पीडीएफ यूटिल्स को ओपन कर लेना है। ये देखिए मैंने पीडीएफ यूटिल्स को ओपन किया। जैसे इसको ओपन करोगे तो सेवन्थ नंबर पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इमेज टू पीडीएफ का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर फाइल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइल्स पे क्लिक करोगे तो यार आपको यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे इन दो इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो 3, 4, 5, 10 कितने भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इन दो इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब आप मैं ओपन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे तो यार यहाँ पे जो है राइट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप चाहो तो नाम भी चेंज कर सकते हो। मैं अब नाम पे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे माई यहाँ पे इमेज लिख देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे लिख के बाकी डॉट पीडीएफ रहने देना है, सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो ये देखिए पीडीएफ बन चुकी है सिंपली, और ये ओपन भी हो रही है। तो अभी मैं आपको जो है अपने फाइल्स भी जाके दिखा देता हूँ कि ये पीडीएफ बन चुकी है। यहाँ पे मैं अपने फाइल्स में जाऊँगा, यहाँ पे जो है रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे जो है हमारा पीडीएफ जरूर से आ जाएगा यहीं पे। थोड़ा सा मेरा फ़ोन स्लो चलता है इसलिए लेट लग सकता है। ये देखिए माई इमेज करके ऑप्शन आ गया पीडीएफ एक, उस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो रही है बहुत ईजिली, और दोनों इमेज काफ़ी अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो है इमेज अपने सेट कर सकते हैं, तो यार आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहाँ पे काफी अच्छी जो है वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। और कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, क्योंकि वहाँ पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। और यार कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। कोई नई वीडियोज का आइडिया देना हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यार ये जो है पीडीएफ के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेरी बताई है, तो यार जरूर से अपने फ्रेंड्स शेयर मत करना मत भूलना इस वीडियो को। तब तक इस वीडियो में इतना ही। सेकंड चैनल जो है हमारे मेरा, वो भी फॉलो जरूर से कर लेना। और इंस्टाग्राम आईडी मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके जरूर से फॉलो कर लेना। तब तक इस वीडियो में इतना ही। बाय गाइस।